आज हम आपको ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहे हैं जो लेखक है, शिक्षक है, वक्ता है और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। तो आइए मिलते हैं श्री संजय बच्छाऊ जी से। संजय जी ने बहुत अच्छे सामाजिक कार्य किए हुए, उन्होंने कन्या दत्तक योजना की हुई है, उन्होंने रक्षाबंधन विथ इंडियन आर्मी किया हुआ है और बहुत सारे मराठी साहित्य के ऊपर अच्छा काम किया हुआ है। सर, आप इतनी सारी एक्टिविटीज़ जो कर रहे हो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई? मैं बड़ौदा में 1997 में आया। उसके पहले मेरा बचपन और शिक्षा और पहली नौकरी ये सब महाराष्ट्र में। मेरे पिताजी शिक्षक थे और वो उनके बच्चों के लिए यानी कि छात्रों के लिए जो करते थे वो मैं बचपन से देख रहा था। तो प्रेरणा जो मुझे मिली है वो मेरे पिताजी से ही मिली है। यहाँ मैं जब आया तब मेरे बहुत सारे बच्चे झोपड़पट्टी विस्तार से आते थे। करीब करीब 80% बच्चे झोपड़पट्टी विस्तार से आते थे। और वहाँ भी मैंने एक देख लिया कि लड़के तो स्कूल में आते थे मगर लड़कियों को उनके अभिभावक यानी कि पेरेंट्स स्कूल में नहीं भेजते थे। तो शुरुआत मैंने वहाँ से की। जिस लड़की को पेरेंट्स स्कूल में नहीं भेजते थे मैं उनके घर जाता था और उस लड़की को स्कूल में लाता था। मगर सिर्फ स्कूल में नहीं लाता था तो पूरा खर्चा उसका शिक्षण ख़त्म होने तक मैं उठाता था। ये शुरुआत हुई। बहुत बढ़िया सर। तो सर, ये आपने इतना सारा जो काम किया उसमें चैलेंज भी तो बहुत आई थी होगी। मतलब लड़कियों को अगर घर से लाना है तो उस ज़माने में पेरेंट्स इजीली भेजते भी नहीं होंगे, तो वो सब आपने कैसे कर लिया? नहीं, बात यह है कि मेरे छात्र ही मेरे कार्यकर्ता है और आज भी मेरी जो प्रवृत्ति हो रही है वो सभी मेरे भूतपूर्व छात्रों के साथ ही हो रही है और कुछ दोस्त है। तो अभी ये प्रवृत्ति जब मेरे शुरू हुई तो बहुत सारे बच्चे मेरे साथ आते थे। जिस पेरेंट्स के घर में जाता था तो मेरे साथ 20-25 बच्चे होते थे और वो थक कर मुझे लिविंग सर्टिफिकेट दे देते थे उस लड़की का। तो करीब करीब 6 साल तक ये ऐसा काम चलता रहा। फिर मेरे ही कुछ छात्रों के जो पेरेंट्स हैं उनको मेरी ये प्रवृत्ति के बारे में पता चला। उसमें सावन साहब है हमारे और वो मेरे साथ जुड़ गए। फिर उनके साथ ही राजा पुरकर सर, दीपक भोंडे या गुप्ते फैमिली या ऐसी 4 फैमिली मेरे साथ आ गई और वो भी मुझे कुछ आर्थिक मदद करने लगे खर्चा उठाने के लिए। और 2006 में एक बड़ा सा बदलाव आ गया। मेरा ही छात्र जो खुद पैसे कमाने लगा, कृष्णा पाटिल नाम का, वो मेरे साथ जुड़ गया। और तब से ये जो शुरुआत हो गई है, आज मेरे साथ 200 से ज़्यादा बच्चे, मेरे ही बच्चे मेरे साथ काम कर रहे हैं और बहुत सारे दोस्त भी मुझे मिल गए हैं। बहुत बढ़िया सर। मतलब आपने तो लोगों की मतलब ज़िंदगी बना दी ऐसा काम किया है। तो और भी सर, आपने बहुत सारी मतलब एक्टिविटीज़ की है, जैसे कन्या दत्तक प्रवृत्ति आप करते थे, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे सर? वैसे लोगों की ज़िंदगी वगैरह बदलना मेरा मकसद नहीं था, सिर्फ खुद की खुशी के लिए यह काम मैं करता था और जो लोग मुझे जुड़ गए वो भी खुशी के लिए ही, खुद की खुशी के लिए ये काम करते हैं। तो अब ये काम धीरे धीरे बढ़ता गया और अब तो जिस स्कूल के लिए मैं ये काम करता था अब उस स्कूल में मैं नहीं रहा, मगर अब ये दायरा बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। अब बड़ौदा में अगर कोई लड़की हमें अगर ऐसी मिलती है कि पैसों के कारण उसका शिक्षण रुक जाता है, ऐसा अगर हमें लगता है तो फिर वहाँ हम उस लड़की को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसका हमने नाम दिया है कन्या दत्तक योजना। और वो 2 प्रकार की योजना है। हम सभी विद्यार्थी मित्र और मेरे मित्र, हम साथ मिलकर वो खर्चा उठाते हैं। और वो खर्चा उठाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उस लड़की को हम पैसे देते हैं, उसकी फीस हम उसके कॉलेज में जाकर भर देते हैं। और दूसरी योजना ये है कि ऐसे भी कुछ मित्र हैं कि उनको ग्रुप में काम नहीं करना है, उतना वक्त वो नहीं दे पाते थे, तो एक एक लड़की ही मैं उनको दे देता हूँ। जैसे कि डॉक्टर सीएम कुलकर्णी साहब है, उनको ही हमने एक बेटी दे दी है, अब वो बेटी अगले साल हमारी ग्रेजुएट हो जाएगी। तो ऐसी भी ये योजना चल रही है। साहित्य में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है, तो साहित्य के बारे में कुछ बताएंगे, आपकी जो जो प्रवृत्तियाँ हैं उसमें साहित्य में कैसे आपने योगदान दिया हुआ है? नहीं, वैसे बड़ा योगदान वगैरह नहीं है, मगर खुशी की बात यह है कि बचपन से मेरे पिताजी ने मुझे और मेरे भाइयों को हाथ में किताबें दी और उस वक्त टीवी वगैरह नहीं था, तो पढ़ना और ग्राउंड पर खेलना बस यही 2 प्रवृत्ति होती थी पढ़ाई के अलावा। और इसकी वजह से बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ। और हुआ ये
कि जिनकी किताबें मैं बचपन में पढ़ता था, आज उनके साथ मैं स्टेज शेयर कर सकता हूं और उनके साथ बोलने का मुझे मौका मिलता है स्टेज पर से। थोड़ा बहुत लिखता भी हूं, पाठ्यपुस्तक मंडल के लिए चौथी से बारहवीं तक की जो किताबें होती है उसका मैंने अनुवाद किया है, समीक्षा की है। फिर कुछ अच्छी किताबें जो गुजराती में हैं वो मैंने मराठी में की है, तो ये प्रवृत्ति चलती है। फिर साहित्य सम्मेलन जो होता है, अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, उस पर भी मुझे मौका मिला है खुद को प्रेजेंट करने का। और बड़े सम्मान की बात यह है कि विश्व मराठी साहित्य सम्मेलन जो सिंगापुर में हुआ था वहाँ भी मुझे निमंत्रित किया गया था, और आत्मचरित्र या आत्मकथन जिसे कहते हैं वहाँ पर मैंने मेरा भाषण दिया था। आपने जो इंडियन आर्मी विद राखी जो का प्रोग्राम आपने किया, वो आपको कहाँ से मतलब ये हुआ कि ये इंडियन आर्मी को भी राखी सेलिब्रेशन वहाँ जाके करना चाहिए, तो उसके थोड़ी बात कीजिए हमको। अभी बात ये है कि जानबूझकर कोई भी प्रवृत्ति मैंने शुरू नहीं की, और वैसे तो ऐसा कहते हैं कि हर शिक्षक विद्यार्थी के लिए शिल्पकार की भूमिका वगैरह करता है या शिक्षक विद्यार्थी को राह दिखाता है। मेरे बारे में थोड़ा सा अलग है, मुझे राह दिखाने वाले मेरे छात्र ही है। वाह। तो उनकी जो ज़रूरत है उस हिसाब से या वो ज़रूरत पूरी करने के लिए कुछ न कुछ प्रवृत्ति मैं शुरू करता हूँ, और बाद में वही प्रवृत्ति निरंतर चलती है और बिना वजह मुझे नाम मिल जाता है। अब 1999 में जब कारगिल युद्ध हो रहा था, तब मैंने इन्हीं बच्चों को वो हर रोज़ वहाँ पे बॉर्डर पे जो होता था कारगिल में वो उनको बताता था। फिर बच्चे मुझे कहने लगे कि सर हम क्या कर सकते हैं। फिर मैंने उनको यही कहा कि अभी तो आप कुछ नहीं कर सकते, मगर हौसला अफजाई के लिए आप खत जरूर लिख सकते हो। तब मेरे 526 बच्चों ने यहाँ बड़ौदा से खत लिखे थे कारगिल। अरे वाह। और वो भी जब पता चला EME को, तब वो लेटर्स उन्होंने मुझसे लिए और वो लेटर्स खुद उन्होंने कारगिल भेजे थे। अब उस बैच के जो मेरे छात्र हैं वो आज भी बहुत सारे छात्र मेरे साथ काम करते हैं। अरे वाह। और अब बात किया आपने रक्षाबंधन विद इंडियन आर्मी, ये भी ऐसे उपक्रम या प्रवृत्ति कुछ दिमाग में नहीं थी, मगर हमेशा मैं बच्चों के साथ युद्ध की बातें करता हूँ, इतिहास की बातें करता हूँ, साहित्य की बातें करता हूँ। तो 2015 में रक्षाबंधन और स्वातंत्र्य दिन, वैसे तो एक बिल्कुल नज़दीकी होते हैं, तो मैंने बच्चों को कहा कि इस साल हम स्वातंत्र्य दिन ज़रा अलग तरीके से बनाएंगे और रक्षाबंधन भी अलग तरीके से मनाएंगे। मैंने लड़कियों को कहा कि आप मुझे राखियाँ दीजिए, और लड़कों को कहा कि आपके दिल में सैनिकों के प्रति जो भावना है वो शब्दबद्ध कीजिए अंग्रेजी या हिंदी में। वैसे बच्चे विश्वास कर लेते हैं, तो उन्होंने मुझे लेटर्स दिए, कुछ ग्रीटिंग्स दिए, और लड़कियों ने मुझे राखियाँ दी। अब वो राखियों की संख्या करीब करीब 75 थी, और करीब करीब उतने ही लेटर्स भी मुझे मिले। अब इनका मैं क्या करने वाला हूँ वो उनको पता नहीं था, मगर वो लेटर्स और राखियाँ मैंने बॉर्डर पर भेज दी। अब हुआ ये कि रक्षाबंधन के दिन 3 लड़कियों को बॉर्डर से फ़ोन आए, और फिर 8-15 दिन के बाद कुछ बच्चों को भी लेटर्स आए। 3 हफ्तों के बाद मुझे एक बड़ा सा इन्वेलप आया वहाँ से कमांडिंग ऑफिसर साहब का, ब्रिगेडियर, और उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया था। एक CD भेजी थी और उस CD में कुछ फोटोग्राफ्स थे, और वो फोटोग्राफ्स कौन से थे, रक्षाबंधन के। जो राखियाँ मैंने भेजी थी वही राखियों के साथ उन्होंने रक्षाबंधन मनाया था। और दूसरी बात ये थी फक्र की बात कि जो लेटर्स मेरे बच्चों ने लिखे थे वही लेटर्स उन्होंने वापस किए, मगर हर लेटर के साथ एक एक सैनिक ने जवाब लिखा था। ये मेरे बच्चों के लिए बहुत ही बड़े सम्मान की बात थी, और मेरे लिए भी। बिल्कुल, पूरे देश के लिए। अब हुआ ये कि मेरे जो भूतपूर्व छात्र मेरे साथ काम करते हैं वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि सर हम बाकी सब प्रवृत्तियाँ तो आपके साथ करते हैं, मगर आपने हमें टाल दिया। फिर मैंने उनको कहा कि अगली साल से इट विल बी ओपन टू ऑल, और फिर 2016 से ये पूरे बड़ौदा के लिए ओपन कर दिया, और उस साल मैंने 2200 राखियाँ बॉर्डर पे भेजी। मगर उस साल हुआ ये कि रक्षाबंधन के दिन बहुत सारी बहनों को बॉर्डर से फ़ोन आ गए, और जब बॉर्डर से फ़ोन आता था तब वो बहनें बोलते बोलते भावुक हो जाती थी, और वहाँ बॉर्डर पे रहने वाला जो सैनिक है वो भावुक हो जाता था। फिर ये बढ़ता गया, और बढ़ता गया तो सिर्फ ये बड़ौदा के बाहर ही नहीं गया बल्कि गुजरात के बाहर गया। आज की तारीख में अगर मैं कहूँ, ये तो ताज्जुब की बात है,
मगर आज की बात करूं तो करीब करीब 40 शहरों से मुझे राखियाँ आती है और अलग अलग 13 राज्यों से राखियाँ आती है। इतना ही नहीं, मगर इस साल मुझे 13 अलग अलग देशों से राखियाँ आई है, यानी कि जो बहनें हमारी विदेश में बसती है उनके प्रति, हमारे सैनिकों के प्रति कितनी प्रेम की भावना है ये इससे प्रतीत होता है। और ये बहुत ही बड़ा सम्मान मेरे लिए है। बात यह है कि जिन बहनों को फ़ोन आता है वो मेरा शुक्रिया अदा करती है, और वहाँ से बॉर्डर से रक्षाबंधन के दिन कमांडिंग ऑफिसर्स मुझे फ़ोन करते हैं कि आपने काफ़ी अच्छी प्रवृत्ति शुरू की, वो भी शुक्रिया अदा करते हैं। सही बात सर, करना ही चाहिए, क्योंकि आपने जो किया है एक इमोशनल अटैचमेंट जो आपने दे दिया है सैनिकों को और हमारी छात्राओं के बीच में, वो एक अद्भुत सहयोग है। हमारे पूरे देश के लिए ऐसे आप जैसे महानुभव की बहुत ज़रूरत है जो लोगों को आपस में बांध के रखे। तो सर आगे आपका क्या प्लानिंग है, अभी आगे क्या एक्टिविटीज़ आप प्लान कर रहे हो? वैसे आगे का कुछ भी नहीं है, मगर जो प्रवृत्ति है वो चलती रहे, वो चलती रहेगी। इसका कारण ये है कि जो अलग अलग प्रवृत्ति मैंने शुरू की है तो उसकी जिम्मेदारी मैंने अपने छात्रों को दे दी है। मैं रहूं या ना रहूं, मैं शायद मैं बड़ौदा से बाहर चला जाऊंगा, मगर मेरे जो विद्यार्थी है इनके जरिए ये प्रवृत्ति चलती रहेगी। इतना ही नहीं, जो मेरे छात्र आज अलग अलग शहरों में है वो वहाँ ये प्रवृत्ति कर रहे हैं, यानी कि बड़ौदा की ब्रांचेस अब भारत देश में ही अलग अलग जगह पे शुरू है, ये बड़ी बात है। तो इसलिए ये जो है ये चलता रहेगा। और मैंने अभी कहा कि जो ज़रूरत के अनुसार ये प्रवृत्ति होती है, ऐसा कुछ सोच समझ कर ये नहीं करता, और दिल से करते हैं, खुशी के लिए करते हैं, जिसे हम सामाजिक प्रवृत्ति वगैरह नहीं करते, ये हमारा उत्तरदायित्व है, तो इसलिए ये करते हैं। और रक्षाबंधन की बात अगर करूँ तो उसमें सिर्फ एक बात बताऊंगा कि बहुत सारी बहनें ऐसी हैं कि उनको वहाँ से गूगल ट्रांसफ़र से भी पैसे भेज दिए जाते हैं। और एक अश्विनी ताई बाड़ नाम की हमारी बहन है, उनको राखी भेजी थी, उन्होंने राखी भेजी थी, फिर दूसरे साल तो उनको उन सैनिक भाई ने साड़ी भेजी है। फिर एक CA है प्राची फडनीस नाम की, विद्यार्थिनी है, स्टूडेंट है, उसे भी पिछले साल गूगल पे से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे 500 रुपये, मगर उसने भी क्या किया, 1 रुपया रखा और 499 रुपये वापस कर दिए। दूसरी एक मेरी छात्र है हिना शाह, उसे घड़ी भेजी गई। तो मृणाल है, निधि है, हिना है, विधि जोशी अभी कनाडा में बस गई है, अब वो अगले साल वहाँ से ये प्रवृत्ति शुरू कर देगी। तो इसलिए ये जो दायरा बढ़ता जा रहा है वो बढ़ता रहेगा, मगर सिर्फ एक कि छात्रों को सामने रखकर उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करने के लिए जो प्रवृत्ति करनी है वो करने की हम कोशिश करेंगे। सर ने जैसे बताया है कि सर जो भी कार्य करते हैं उनकी खुशी के लिए कार्य करते हैं, और उनके छात्र भी जो है वो भी अपनी खुशी के लिए ही कार्य करते हैं। मतलब जो अपनी खुशी के लिए जो कार्य किया गया है तो उनका फल तो हमको पहले ही मिल जाता है। तो आज सर से जो हमको मार्गदर्शन मिला है तो वो मार्गदर्शन हमारे सब जो इतने सुनने वाले हैं और हम और आप को बहुत अच्छा मार्गदर्शन देगा। और सर को यहाँ स्टूडियो में आने के लिए मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। मैं भी आपको और सभी श्रोताओं को, दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।